हमारे एडेगा पंचायत के रमजड़ी गांव में सभी बीपीएल कार्ड धारियों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय दिया गया है। ये योजना यहां पर 2013 में ही शुरू हुआ था और अभी 2014 भी पार होने को है, लेकिन इन लोगों का शौचालय अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ के लोग शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इन लोगों को शौच के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है। शुरुआत में जैसे मुखिया अलग और कहलक कि नहीं, मतलब लेटरिन बनवाए का है, बनवा बाकी नहीं बनवा ईसन कहलक। ओकर बाद में अलग जैसे सामान दिलक, मतलब कितना 300 ईटा कहलक, 300 ईटा भी नहीं दी है हमें, गिन के लेजबा कहलक नहीं 300 ईटा नहीं लाइन, बड़ा मुश्किल से के बना ही। ओकर बाद में बना ली, लेकिन अधपूरा, जैसे ओकर मतलब गाढ़ा नहीं बनलक, चाहे पाइप वगैरह ईसन वाला कहीं छोड़ दी है, उके की हुआ से ले जाबा से भी निकल है। तेकर बाद में वह दिन एखन मतलब इतना दिन बीत गया, ना ही करना बनत है ना हमें कोनो के मतलब जानत न थी। ये शौचालय बनाने का काम 2013 उसी आसपास शुरू हुआ था, लेकिन उतना सामान ना होने के कारण अभी तक वो अधूरा है। 42 जन का निकला था तो 42 जन में अभी दीवाल खड़ा किए हैं 30 गो दीवाल, और उसमें पैन बैठा नहीं है, गड्ढा खोदा हुआ नहीं है, वो सब अधूरा ही है। ईंट नहीं मिला पूरा करवाने के लिए, वही उतना ईंट और बालू उसी के चलते उसको पूरा नहीं कर पाए। ये मुखिया जल सहिया उसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो मुखिया को बोले ना कि ईंट और बालू गिरवा दीजिए, तो हाँ गिरवा देंगे बोले, लेकिन अभी तक नहीं भेज पाए, तो सामान ना रहने के कारण अधूरा हो गया। तो कितना दिन पहले आप बोले थे मुखिया को? अब तो वही पिछला साल ही बोले थे। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आप देखें और जानें और हमारी इस समस्या को दूर करने में आप हमारी मदद करें। हमारे प्रखंड के वीडियो का नाम है मनोज कुमार साव और इनका मोबाइल नंबर है 08294033400। इनको फ़ोन करके दबाव बनाएं और जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने में मदद करें। मैं वारले सुरिन झारखंड सिमडेगा से इंडिया अनहर्ड के लिए।